रुका दे ये पिछले दो महीने से जो उल्लासनगर शहर में एक फिर से लोगों में उम्मीद की निशानी, जिसे पप्पू कालानी कहा जाता है, फिर से जो उम्मीद दिखाई दे रही है, एक जीने की चाह, एक विकास, विश्वास, सुरक्षा और रोज़गार, इन सभी बातों को लेकर हमारे लोक नेता पप्पू कालानी लोगों के बीच में हैं। ये एक तरफा पूरे उल्लासनगर शहर का, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, महिलाएँ हो, युवतियाँ हो, सबका एक ही नारा है कि अब की बार पप्पू कालानी सरकार, जिसका ये प्रमाण आज आपको हमारे युवा नेता गुड्डू राय जी के जनसंपर्क कार्यालय, राष्ट्रवादी जनसंपर्क कार्यालय, पहली जनसंपर्क जब से जो हमारी भाभी जी पंचम कालानी जब से जिला अध्यक्षा बनी है, और सबसे पहला जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है आज पप्पू कालानी जी के मार्गदर्शन में, ओमी कालानी जी की देख रेख में। और पूरी तरह से आने वाले दिसंबर माह तक 40 और ऐसे जनसंपर्क कार्यालयों के उद्घाटन हर रोज़ उल्लासनगर शहर के क्षेत्र के लोगों के लिए, जिस क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यालय खुलेगा, जिस जनसंपर्क कार्यालय पर पप्पू कालानी, ओमी कालानी और पंचम कालानी का फोटो रहेगा, उस कार्यालय से गोर गरीब लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवतियों के लिए और युवाओं के लिए रोजगार, विकास, सुरक्षा, ये सब कार्य होंगे। आने वाले दिसंबर माह तक 40 जनसंपर्क कार्यालय खुलेंगे, और ये दर्शाता है कि इस बार शहर में एक ही आवाज़ गूंजने वाली है के अब की बार धन्यवाद। कालानी जी के ऊपर विश्वास रखकर ओमी कालानी जी के मार्गदर्शन में और पंचम कालानी जी की अध्यक्षता में रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में लोग प्रवेश कर रहे हैं, और उस प्रवेश की घड़ी में आज बहुत ही उत्साह के साथ में प्रभाग क्रमांक 8-9 इसके जो बॉर्डर्स है, यहाँ पर आज हमारे गुड्डू राय जी, जो हमारे युवा नेता है, बहुत दिनों से कालानी परिवार से जुड़े हैं, उनके आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन रखा गया, जहाँ पर मार्गदर्शन के तौर पर आदरणीय पप्पू कालानी जी के हाथों से उद्घाटन किया गया, जहाँ पर हमारे नगर सेवक मनोज लासी जी, हमारे नेता संतोष पांडे जी, पंकज त्रिलोकानी जी, समस्त सभी साथी उपस्थित रहकर, सनी तेलकर जी, ऐसे समस्त सभी युवाओं को जोश देखकर, और पप्पू कालानी जी हमारे बीच में रहकर, यहाँ पर हमारे शंटी अन्ना जी भी यहाँ पर उपस्थित रहकर, हमारे सभी साथियों ने मिलकर आज बहुत ही उत्साह के साथ में ये उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन में सभी युवाओं ने यही पुकार लगाई कि अब की बार पप्पू कालानी की सरकार इस उल्लासनगर में हो और पूर्ण बहुमत से हमारा महापौर हो। इसके लिए आदरणीय ओमी कालानी जी के मार्गदर्शन में हर एक वार्ड में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का ऑफिस होगा, जहां पर लोगों की समस्या सुनी जाएगी और समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उसके लिए आदरणीय पवार साहब के जड़ों को मजबूत करने के लिए पप्पू कालानी जी ने संकल्प ला ली है, और आने वाले दिनों में और भी प्रभागों में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।